1600 मीटर रेस जिंदगी की। दोस्तों बहुत सारे बंदे जो अपनी जवानी होती है 17.5 साल से लेकर 21 साल तक इसी रेस को क्वालिफाई करने में अपनी पूरी जवानी को लगा देते हैं। दोस्तों सुबह शाम त्यौहार और ऐसा कोई दिन नहीं देखते हैं जिसको 1600 मीटर क्वालिफाई करने के लिए अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आर्मी भर्ती में ग्राउंड में क्या प्रोसेस होती है इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल जरा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि अगर आप स्किप करते हो तो एक सही नॉलेज को भी आप स्किप कर देते हो। तो जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं हूं लखन राठौर और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल द बेस्ट फिजिकल एकेडमी धार। तो दोस्तों आर्मी भर्ती वाले दिन क्या होता है और ग्राउंड में क्या होगा ये सारी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन आप आर्मी में भर्ती देने जाते हो तो शाम के समय आपको एक हल्का भोजन लेना है और ऐसी आराम की जगह देखना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है। जब आपका समय हो जाए 3, 3:30, 4 बजे जब भी आपके वहाँ पर लाइन लगना स्टार्ट हो जाए आपको लाइन में लगना है। ध्यान रहे कि पहले या दूसरी फाइल में दौड़ना है आपको, पहली और दूसरी फाइल में बंदे अधिकतर ज़्यादा लिए जाते हैं तो ये कोशिश करना है कि पहली या दूसरी फाइल में आपकी रनिंग हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बेवजह की अपने दोस्तों के साथ में ना किसी चीज का बात में बारे में डिस्कशन करना है, ना भीड़ को देख के घबराना है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे पूरा विश्वास रखना है, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों जब आपकी लाइन बनती है और लाइन बनने के बाद जब यहाँ पर आपकी हाइट मेजरमेंट होती है तो हाइट मेजरमेंट होने के समय आपके जूते और मोजे दोनों निकाल कर आपके हाइट मेजरमेंट होती है। जो बंदा हाइट में फिट होगा वो ही अंदर रनिंग करने जाएगा, जो बंदा अनफिट होगा उसको रनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन अगर कोई बंदा एसटी से और इसकी कम हाइट है तो उसको मौका मिल सकता है, ठीक है। उसका कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसको अंदर जाने दिया जाएगा। यहाँ पे हाइट मेजरमेंट होने के बाद में दोस्तों आपको क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद में अगर आपका एडमिट कार्ड क्लियर है, ठीक है, उसको क्लियर करने के बाद में आपके यहाँ पर लाइन बनाई जाती है। ऐसे ग्राउंड होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपको लाइन बनाई जाती है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस लाइन में जब आप अगर बैठ जाते हो तो आपको कोई भी हंसी मजाक, कोई भी मस्ती और बेवजह की फिजूल बातें और जो भी हो दोस्तों के साथ हंसी मजाक कुछ नहीं करना दोस्तों। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपको बिल्कुल शांत रहना है। आपकी मेहनत जो है, आपने जो दिन रात आपकी मेहनत करी है उस पर बिल्कुल आपको कायम रहना है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पर हो सके तो लड़के बहुत सारी गलतियाँ ये करते हैं कि जब यहाँ पर लाइन स्टार्ट हो जाती है तो वो अपने पैर में सरसों का तेल, झंडू बाम, ये बहुत ज़्यादा बार बार रफ करते हैं दोस्तों। और अगर ये जब बार बार आप रफ करते हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में एक बार रफ करा, फिर थोड़ी देर बाद फिर झंडू बाम लगा, फिर रफ करा, तो उससे क्या दोस्तों अपना पैर गर्म होता है फिर ठंडा होता है, पैर गर्म होता है फिर ठंडा होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा ना, जब रनिंग का जब परफॉर्मेंस रहेगा तो उस समय आपका पैर जल्दी भर जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि जब आपको लगेगा आपको यहाँ से उठाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से आपको उठाने वाले हैं, तो उसके पहले आपको हल्की सी पैर की स्ट्रेचिंग करना है मौका मिलते ही। स्ट्रेचिंग करने के बाद में आपके पास कोई भी ओमनी जेल हो या स्प्रे हो या झंडू बाम हो या सरसों का तेल हो तो उसको हल्का सा इसे लगाना है ताकि आपका पैर गर्म ना हो, ठीक है। यहाँ से जब आपकी लाइन निकलती है दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड में यहाँ से आपका जब इंटर होता है 200 बंदों का यहाँ पर इंटर होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राउंड होंगे जो पे आपको यहाँ पर लाइन से बिठाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले गलती ये नहीं करना है कि ग्राउंड में जाते सही आपको आपके बैग, क्योंकि जब सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल उसी में होते हैं तो आपके बैग के ऊपर जो हैंडल होता है उसमें रंगीन कलर का रुमाल बांध दे। जिससे क्या होगा दोस्तों कि जब आपकी रनिंग यहाँ पर होगी क्लियर और रनिंग होने के बाद में अगर आप भर्ती क्लियर कर देते हो और भर्ती क्लियर करने के बाद में आपको उस तरफ ले जाया जाएगा और जो फेल हो जाते हैं दोस्तों उनको एक साथ दौड़ा कर यहाँ से बैग उठाने का बोलते हैं। तो उस घबराहट में वो क्या करते हैं कि कभी कभी बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो दूसरे का बैग उठा जाते हैं और अपना बैग वहीं छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपका भी नुकसान हो सकता है। अगर वो आपका डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं रहेंगे तो आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको एक दिन का भी टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, बैग में आपको इसे निशानी कर देना ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सामने वालों को दिख जाए कि ये बैग मेरा नहीं है। जब आपकी भर्ती क्लियर हो जाए, ठीक है, आपका जब वहाँ पर वीडियो फोटो वीडियो अगर आपका बन जाए उसके बाद में आपको बैग लेने आना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बैग लेके आना है। अभी मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है कि
आपके आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो चार राउंड की जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी, ठीक है? इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अब यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जब आपकी यहाँ लाइन लग जाए, आपने बैग में रुमाल वगैरह बांध दिया है, ठीक है, आपको यहाँ आगे अगर लगना है, देखिए वहाँ पे तो एक एक लाइन से उठाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका नंबर पीछे आ जाता है, या आपका नंबर अगर आप दौड़ कर किसी आपके जो भी जैसे भी आपके कोशिश करने के बाद अगर आप आगे बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पीछे बैठ जाते हैं और आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, पीछे से भी भर्ती मारी जा सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आगे वाले ही भर्ती मारते हैं, भर्ती मारने वाला पीछे से भी मारेगा और कहीं से भी मारेगा, जिसको फौज में अगर भर्ती होना ना तो कहीं से भी भर्ती मार सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जब लाइन उड़ा जाए तो आपको हल्की से आपकी कोशिश करना है कि आप या तो मीडियम जो बीच में लग जाए, या थोड़ा सा इस साइड लग जाए, या इस साइड लग जाए, ठीक है। और अगर किस्मत थोड़ी सी अगर ख़राब है और पीछे नंबर आ गया तो आपको हिम्मत लेना है, हिम्मत रखना है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ एक नोटिस चीज़ नोटिस करने वाली है कि बंदों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे कि यहाँ पर दौड़ कर आए और उनने बैठने का बोला, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से मैं अभी बैठा हूँ आपको रनिंग पोजीशन में उसी तरीके से बैठना है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि जो अगर आपके आगे बैठा है ना, तो उसके कंधे पे आपको हाथ रखना है, जो आपके पीछे बैठा है ना उसको अपने कंधे पे हाथ रखना है, रखने देना है। क्योंकि बंदे क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये बंदा बैठा, उसके पीछे वाला बंदा अगर ऐसा बैठा तो उसके लोड देने से क्या होगा दोस्तों, जब वो भागने की बारी होगा ना तो उसको आपको ऐसा खींच के भागेगा, क्या भागेगा, ऐसा खींच के भागेगा या ऐसा धक्का देके भागेगा। और अगर आपके शोल्डर पे उसने हाथ रखा है तो आपका है ना क्या होगा, जो बॉडी का जो प्रेशर रहेगा ना दोस्तों, आप उसमें क्या होगा कि दिक्कत आ सकती है आपको रनिंग करने में, क्या होगा कि आपका जो एनर्जेटिक लेवल है ना वो कम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, पीछे वालों को बोल देना कि मेरे को पकड़ के ना बैठे, ना ही मेरे को धक्का मुक्की करें, ठीक है। मेहनत सब अपने अपने करके आते हैं, सब अपना अपना दम लगाना, ना किसी को धक्का देना ना किसी से धक्का खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बात हो गई बैठने की। अब बात करते हैं कि फौजी गो कब बोलेगा। ध्यान रखना है आपको, जब फौजी भाई यहाँ पर जब यहाँ खड़ा रहता है और आपसे कुछ बातें करते हैं कि यहाँ पर आप आपकी खुद की मर्जी से आए बोलते हैं ना, और आपके अगर हाथ पैर टूट जाते हैं तो आप इसके खुद जिम्मेदार हैं, जैसे बोलो ना यस सर नो सर बोलवाते ना, तो वो यहाँ पर खड़े रहते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड में होता है कि एक बोलते हैं पीछे मुड़ गो, तो आपको उसकी बात पर ध्यान देना है। वहाँ पर जब यहाँ पर अगर इस पोजीशन पे बैठे हो तो कोई किसी से बातचीत नहीं करना, बिल्कुल उसी की बात पे ध्यान देना है। पीछे मुड़ गो अगर बोल दिया तो पीछे मुड़ कर आपको भागना है। और अगर वो यहाँ पर बोलते हुए अगर धीरे धीरे साइड में हट रहे हैं सारे फौजी भाई, तो समझ जाना कि वो गो बोलने वाला है, ठीक है। जैसे ही उसने गो बोला आपको पूरी स्प्रिंट मारना है। यहाँ वाला बंदा अगर बैठा हुआ है तो यहाँ से आपको पूरी स्प्रिंट मारना है 300 मीटर तक। कहाँ तक? 300 मीटर तक। आ रही समझ में? 300 मीटर पूरी स्प्रिंट मारनी है अपनी, पूरा दम लगा के, जितनी पीछे की जो भीड़ है उसको काटते हुए छोड़ते हुए अपनी अच्छे से डिस्टेंस बना के आगे लेवल में बैलेंस बनाते हुए अपनी रनिंग लंबे लंबे कदम में अपने एनर्जी के साथ जिस तरीके से अपने प्रैक्टिस करी है उस हिसाब से आपको राउंड को क्लियर करना है। जो बंदा यहाँ बैठा है वो 300 मीटर तक खींचेगा, जो बंदा अगर यहाँ पर बैठा है तो उसको ध्यान रखना है कि वो क्रॉस ना करें, ठीक है, ऐसे क्रॉस ना करें। अगर आप ऐसे क्रॉस करते हो तो जो यहाँ वाले बंदे हैं आपको धक्का दे के गिरा सकते हैं, या आप पैर में टकराने से आप गिर सकते हो, ठीक है। आ रही समझ में? है ना? तो आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है। और जो यहाँ बैठा उसको एक बात और ध्यान रखना है, उसको बहुत स्पीड में ऐसे दौड़ना होगा, क्योंकि यहाँ वाले अधिकतर बंदे यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको पूरा दबा देते हैं। जब अगर वो पूरा इधर आने लग जाएंगे ना, यहाँ से अगर क्रॉस करके यहाँ आने लग जाएंगे तो वो यहाँ से निकलने की वो ब्लॉक हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको स्प्रिंट पूरी तगड़ी मारना है यहाँ पे। ये वाले बंदे को इधर नहीं आना है, इधर से रनिंग पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ पर आपको 300 मीटर तक स्प्रिंट खींचने के बाद में आपको फर्स्ट वाली लाइन लेना है। आगे समझ में? यहाँ से पूरा घूमते हुए इधर ग्राउंड की डिस्टेंस बड़ी है, लेकिन इधर ब्लॉकेज नहीं मिलेगा आपको, इधर भीड़ नहीं मिलेगा। सारे फर्स्ट राउंड में इधर घुसने की कोशिश करते हैं। जो बंदे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो 100 मीटर में अंदर चले जाएंगे, और जो अच्छी प्रैक्टिस करके आ रहे हैं वो ही लास्ट राउंड तक टिकेगा। जो बंदा पीछे यहाँ पर बैठा होगा उसको ध्यान रखना है कि यहाँ इधर से नहीं दौड़े, वो इधर से दौड़कर इधर आएगा। क्या कर रहा है? इधर से दौड़कर इधर आएगा। आ रही समझ में? क्योंकि अगर वो इधर दौड़ के आएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा और वो आगे नहीं निकल पाएगा। और फिर क्या, फौजी भाई उन जब वो पीछे रहेगा तो यहाँ से पहले नंबर दूसरे नंबर गेट से
अंदर कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, पहला राउंड आपको 1 मिनट 5 सेकंड या अगर पीछे रहे तो 1 मिनट 10 सेकंड में आपको कंप्लीट कर देना। यस ठीक है। पहले राउंड में जो 2 महीने 3 महीने वाले प्रैक्टिस वाले रहते हैं वो अंदर हो जाते हैं प्रॉपर, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है। सेकंड राउंड आपका स्टार्ट होता है ना, सेकंड राउंड में जब आपका स्टार्ट होता है आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से ही क्रॉस करते हुए चलना है। बंदों को क्या करना है कि जो बंदा मान लीजिए आप बहुत पीछे हो तो अपने से आगे वाले बंदों को क्रॉस करना है। अगर मान लीजिए आपने आपसे आगे वाले बंदे को काटा तो आपका मोटिवेशनल लेवल जो है वो अप रहेगा कि मैं बंदों को काट रहा हूँ और अगले बंदे को भी काट रहा हूँ। अन्यथा अगर आपको कोई काटता है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई काटता है और आप उससे कट जाते हो तो आपका मोटिवेशनल लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मोटिवेशन लेवल जो होगा डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सोचोगे फिर कि यार मेरे से रनिंग नहीं हो पाई, है ना। आपको ध्यान रखना है अगले बंदे को काटना है ना, लंबे लंबे कदम अगर कोई आपका काटना है, सेकंड राउंड में आपको कोई काट रहा है तो आपको ध्यान रखना है जैसे ही आपके पास में आए आपको आपकी रनिंग की पेस जो है वो बढ़ा देनी है। क्या करना है? आपकी पेस जो रनिंग की जो स्पीड है वो बढ़ा देनी है। दूसरा राउंड आपको कम से कम 2:25 या 2:20 2:25 में आपको क्लोज कर देना, ठीक है। तीसरा राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तीसरा राउंड में सब धीरे हो जाते हैं, लेकिन कोई धीरे हो रहा नहीं होता अभी, ठीक है। वहाँ सिर्फ देखने वालों को ऐसा लगता है कि तीसरा राउंड बहुत धीरे दौड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे तो जो हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं ना बिल्कुल उड़ा के लेते हैं। क्या करते हैं? तो तीसरा राउंड में अगर आप सबसे पीछे हो तो बहुत अच्छा चांस है। आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है तीसरे राउंड में अगर आप 50 बंदों के अंदर हो या नहीं हो तो आपको 50 से 40 बंदों के अंदर आपको आना है। क्या करना है? 40 से 50 बंदों के अंदर आना। तीसरा राउंड आपका स्टार्ट होता है, तीसरे राउंड में आपको सिर्फ इस वाली लाइन में दौड़ना है। किस वाली लाइन में? इस वाली लाइन में दौड़ना है। अगर किसी बंदे को आपको क्रॉस करना है तो आपको इसी लाइन में क्रॉस करना है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड के इस हिस्से से दौड़ोगे, थोड़ी इधर से दौड़ोगे तो आपकी जो चौड़ाई है ग्राउंड की वो बढ़ जाएगी, है ना। 10 से 15 सेकंड का डिस्टेंस हो जाएगा। और तब तुमको पता है कि लास्ट में 10 से 15 सेकंड बहुत मायने रखते हैं। इस 10 से 15 सेकंड में कम से कम 30 से 40 लड़के भाग देंगे उधर, अरे समझे। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ से दौड़ना है। आपको अगर जगह नहीं मिल रही है और अगर आपको किसी को क्रॉस करना है तो आपको यहीं पे क्रॉस करना है। किसी को भी अगर किसी को काटना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अगले वाला ग्रुप आपसे कवर हो और आपसे पीछे हो तो उसको यहीं से क्रॉस हो। अब आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जब आपका तीसरा राउंड चल रहा है, ठीक है, और कोई बंदा अगर आपको कर्व में काट रहा है या आप उसको कर्व में काट रहे हो तो यह गलती आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जैसे आपको यहाँ पे किसी बंदे को अगर काटते हो, जैसे यहाँ से आप दौड़ते हुए आ रहे हो और यहाँ तक आपसे नहीं कटा तो आपको उसको पीछे पीछे दौड़ना है। क्या करना? उसके कदम के पीछे पीछे दौड़ना। अगर आप यहाँ अगर उसको काटते हो ना तो यहाँ उसको आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। क्या हो रहा है? यहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे आपको, है ना, क्योंकि उसको तो बहुत ग्राउंड के पास से ही दौड़ेगा वो, आपको ग्राउंड में ऐसे घूम के दौड़ना पड़ेगा। अरे समझिए, तो वो जल्दी टर्न ले लेगा और आपको लेट टर्न लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उससे कदम कदम मिलाते हुए जैसे ही आप यहाँ पर स्ट्रेट में आ जाते हो बिल्कुल यहाँ पर उड़ा देना, स्टार्टिंग पॉइंट से पहले ही उड़ा देना, है ना। जिस बंदे को काटना है ना चौथे राउंड लगते से ही, अगर यहाँ पर आपसे नहीं कटा तो आपका मोटिवेशनल लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तुम क्या सोचोगे यार मेरे से कट नहीं रहा है, तो उसको चाहे जितनी एनर्जी लगा के यहाँ तक तो पहले काट देना है, ठीक है। चौथा राउंड स्टार्ट होता है, चौथे राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है पूरी जी जान झोंक देना है, बिल्कुल रुकने का दिमाग के अंदर नहीं लेना, है ना। 3 राउंड तो मैंने निकाली दिए, बची जो बात सिर्फ 400 मीटर की। चौथा राउंड जैसे ही आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल सारे बंदे लाइन से सट जाते हैं, है ना, तो यहीं से खींच के लेना। क्या करना है? यहीं से खींच के लेना, पूरी जान झोंक देना है। अली समझ में? कुछ भी चिल्ला के दौड़ो या कुछ भी बोल, जो जैसे चिल्लाने से एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। और अगर मुँह खोल के दौड़ रहे हो तो मुँह खोल के दौड़ो, मुँह बंद करके दौड़ रहे हो तो इसमें मुँह खोल सकते हो तुम, है ना। कभी कभी मुँह खोलना भी बहुत अच्छी बात हो जाती है ना। जैसे आप तुम उस वहाँ पर तुम्हारी प्रैक्टिस के हिसाब से देखना है, आपको यहाँ से दौड़ना है, आपको लंबे कदम पूरा जितना। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आते हैं और यहाँ से जब 200 मीटर रहता है ना बहुत तेज से खींच के स्प्रिंट मार के पूरा राउंड खत्म कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चौथे राउंड में आपको पीछे से भी कटना नहीं है। क्या? पीछे से भी कटना नहीं है। अगर कोई पीछे से आपको काटने आ रहा है तो आपको उसकी आपकी रनिंग की जो स्पीड है वो बढ़ा देनी है ताकि उसको लगे कि यार उसके अंदर बहुत जान है ना, और वो पीछे हो जाए आपसे। आपको क्या करना है? अगले बंदे को क्रॉस करना है। क्या करना है? अगले बंदे को क्रॉस करते हुए जब आपका 1500 मीटर आ जाता है तो यहाँ से फिनिशिंग मारनी है। क्या करना है?
जितनी दम लगी है साली, जितनी बची है जान, पूरी यहाँ से उड़ा देना बिल्कुल यहाँ पे। और जैसे अगर आप पहले या दूसरे बंदे में आ जाते हो तो की रनिंग क्लियर, 10 बंदे के अंदर आता हो या 8 बंदे के अंदर आता हो तो 48। यहाँ तक जो ये फिनिशिंग पॉइंट है, जब तक आपको एक कदम भी ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि पलक झपकते वो रस्सी खींच देंगे। क्या कर देंगे? बहुत सारे बंदों को तुमने देखा ना कि रस्सी पे जाने के बाद में, अंदर घुसने के बाद में भगा देते हैं। तो जब तक इस डब्बे में नहीं जाओ ना, जब तक बिल्कुल खुद को सिलेक्टेड मत समझना। ऐसा भी मत सोचना कि वहां ले रहे हो और मैं यहाँ आ गया और मैं धीरे पड़ जाऊँ, रोक देंगे वो आगे समझे। यहाँ रनिंग क्लियर होने के बाद में आपको पास वाले डब्बे में बिठाएंगे, यहाँ से आपका बैग उठाना है, ठीक है। ये पूरे 3 ग्राउंड की स्ट्रेटजी, इस चीज को ध्यान रखना है, प्रैक्टिस हार्ड रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में आपको क्वालिफाई होना है। बैग उठाने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से लिए जाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेट, चेस्ट और फिजिकल फिटनेस पूरा, ठीक है, फ्लैट फूट, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी होगी, ठीक है। आई समझ में? डॉक्यूमेंट पूरा चेक होगा, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह, अगर मार्कशीट वगैरह में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। आई समझ में? इसलिए डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट ऐसे रखना है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके यहाँ पर पुलअप्स होंगे, ये समझ में आ रही है, जो अपन ने बता रखा पुलअप्स के लिए। यहाँ पर आपको 10 बीम प्रॉपर लगाना है, ठीक है। 10 बीम अगर लगाते हो आप तो आपको 10 बीम का 40 नंबर मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 10 बीम से एक बीम भी कम नहीं लगाना। 10 बीम लगाने के बाद में आपको होगा लॉन्ग जंप, जैसा कि बताया गया है लॉन्ग जंप, ठीक है। आरी समझ में? इसमें सिर्फ 9 फीट का लॉन्ग जंप होता है, हर कोई इसमें क्लियर हो जाता है ना। आरी समझ में? ये होने के बाद में आपको झिकझैक बैलेंसिंग करवाएंगे। झिकझैक बैलेंसिंग होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको मेडिकल की स्लिप दी जाएगी। मेडिकल में अगर बंदे ज्यादा नहीं है तो उसी दिन मेडिकल हो सकता है, मेडिकल में अगर बंदे ज्यादा है तो अगले दिन बुला सकते हैं या उसके एक दो दिन बाद भी बुला सकते हैं। अरे समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर अगले दिन आपका सुबह 5 बजे या 4:30 बजे आपको मेडिकल टाइम पे फिक्स पहुंचना है। अगर मेडिकल टाइम अगर चूक जाते हो तो वहां पर गेट लगाने के बाद में फिर गेट खुलते नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक वीडियो हम मेडिकल पे भी बनाएंगे, पूरा इस तरीके से डेमो बताएंगे कि जिस तरीके से ये प्रैक्टिकल ग्राफ बनाया है 1600 मीटर का, ठीक है। दोस्तों, जो भी भाई इस वीडियो को यहाँ तक आया है देखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखी है आपने, तो उन भाइयों तक शेयर करना जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आ रही है और ये नॉलेज आपको वहाँ पर जो आपकी भर्ती जो क्लियर करने में जो बहुत ज़्यादा काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा अपने जो दिमाग में प्लान होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि किस तरीके से लगा आपको वर्कआउट और ये ग्राउंड हमारा, जिस तरीके से हमने ग्राफ तैयार किया, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगे हैं इस ग्राउंड को बनाने में, ठीक है। तो इस वीडियो को बस एक बार देखने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस हार्ड रखना है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है, जैसा आपको समझाया है वैसा ही करना। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।